बहुत बार इस तरह के डिस्कशंस हो रहे होते हैं मेरे साथ बी टू बी बिजनेस ओनर्स के, कि बहुत सारी लीड चाहिए और लीड चाहिए और लीड चाहिए। तो मैं उनसे हमेशा ये सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ कि इतनी सारी लीड्स चाहिए ही क्यों आपको? डिस्कशन में जब थोड़ा अंदर जाते हैं तो समझ में आता है कि जो लीड जनरेशन टू कन्वर्जन के जो परसेंटेज कन्वर्जन रेट है वो बड़ा कम होता है। और देखिए बी टू सी के अंदर वो समझ में आता है, बट ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उतना ही कन्वर्जन रेट मेरा बी टू बी के अंदर भी रहेगा तो मुझे मल्टीप्लाइड बाय व्हाटएवर नंबर मुझे ना 1000 लीड्स चाहिए। ये नंबर गलत है। मार्केटिंग जो आप कर रहे हैं इसका ये समझ आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केटिंग आपके लिए काम नहीं कर रही है। आप एड्स चला रहे हैं बहुत सारी लीड लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो कन्वर्जन जितना होना चाहिए सेल्स में उतना नहीं हो रहा है। उसका रीजन क्या है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। देखिए कई सारी बातें जो आपको समझनी है। पहली बात ये समझनी, कन्वर्जन आपका बी टू बी में अलग होगा बी टू सी में अलग होगा। सेल्स साइकिल लंबा होता है बी टू बी के अंदर, आपको ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं सेल्स प्रोसेस के अंदर, लोग समझेंगे इलेबोरेट करेंगे कंपेयर करेंगे उसके बाद आपका डिसीजन मेकिंग होगा। तो आपको जो चाहिए वो ये चाहिए कि लीड जनरेशन के बाद जो फाइनल कन्वर्जन का प्रोसेस है उसके लिए आपको कोई सिस्टम कोई मैकेनिज्म चाहिए होता है। मैं आपको एक नंबर देता हूं, फ्रॉम द डे समबडी हियर्स योर नेम फॉर द फर्स्ट टाइम टिल द डे दे एक्चुअली बाय योर प्रोडक्ट, तुम्हारा नाम सुनने से पहले तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदने तक ऑन एन एवरेज 18 इंटरेक्शन चाहिए होते हैं एक बी टू बी के अंदर एक कस्टमर को। क्यों 18 चाहिए होते हैं? क्योंकि पीपल आर बॉम्बार्डेड विद इन्फॉर्मेशन एवरी डे, उनके पास बहुत सारा डेटा सोशल मीडिया पे ईमेल्स कॉल्स फेसबुक वगैरह के अंदर आ रहा होता है। चांसेस इस बात के लगभग ना के बराबर है कि वो आपको याद रखेंगे। कुछ ऐसा सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा जिससे कि वो आपको लगातार याद रखें, आप टॉप ऑफ द माइंड बने रहें, इससे आपका कन्वर्जन इंप्रूव होगा।